शिवम इज ऑल्सो फ्रॉम देहरादून, तो वो भी एक मेरा रिश्ता काइंड ऑफ एक तरह से है क्योंकि वो मेरे ही शहर का है. अब रोमित आ गया है एंड रोमित इज काफ़ी समय से रोमित ने काम किया है, बहुत अनुभवी एक्टर है, काफ़ी सालों से काम कर रहा है इंडस्ट्री में. सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए. एब्सोल्युटली, वो तो हम सब ने ही सोचा था बिकॉज दैट्स हाउ इट वाज सपोज टू बी आई थिंक. बट लेकिन शिवम बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत ही सुंदर लड़का है, अच्छा स्वभाव, यू नो, सबके साथ अच्छे से बात करना, सबके साथ घुल मिल के काम करना. और यहाँ पर आपने देखा है हम सब लोग कितना एक दूसरे के साथ घुल मिले हैं, सब लोग आपस में बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, गप्पे मारते हैं, काम भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं साथ साथ. तो ये एक जो एक एक माहौल जो था उसमें वो रम गया था. और शिवम जो है थोड़ी समय के बाद उसने ज्वाइन किया था बिकॉज उसका कैरेक्टर बाद में आता है परिवार में बिकॉज वो पढ़ रहा होता है बाहर, तो उसके बाद वो एकदम से मिल गया, घुल मिल गया. एंड ऑल्सो शिवम इज ऑल्सो फ्रॉम देहरादून, तो वो भी एक मेरा रिश्ता काइंड ऑफ एक तरह से है क्योंकि वो मेरे ही शहर का है और उसका भी पहाड़ी बैकग्राउंड है थोड़ा सा, तो वो एक अलग चीज़ है. एंड ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. एंड एक अच्छा इंसान होना भी बहुत बहुत मायने रखता है. ऑफकोर्स आप अच्छे एक्टर हैं तो उसके साथ सोने पे सुहागा हो जाता है, जो उसके केस में था, बिल्कुल वेरी गुड एक्टर. बट आई गेस वही होता है जिसका जहाँ जितना लिखा होता है तभी तक होता है. इट इज़ वॉट इट इज़ नाउ. कि अब रोमित आ गया है एंड रोमित इज़ काफ़ी समय से रोमित ने काम किया है, बहुत अनुभवी एक्टर है, काफ़ी सालों से काम कर रहा है इंडस्ट्री में. अभी उसने अपना बातें कुछ अनकही में था विद DKP एंड अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग अगेन, और वो भी आकर एकदम रम गया है हमारे साथ. तो डेफिनेटली आप सोचते हो कि यू नो यू थिंक अबाउट कि जिस एक्टर ने पहले किरदार किया था यू मिस, लेकिन फिर आपको मूव ऑन तो करना ही पड़ता है. और हमेशा से कहा गया है द शो मस्ट गो ऑन, तो लोग आते हैं जाते हैं, सब चीज़ें चलती रहती हैं जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से जिसको चलना होता है. बट आई थिंक वी आर इन्जॉइंग, अभी भी अच्छा लग रहा है रोमित के साथ, ही इज़ डूइंग वेरी गुड. वो उसने कैरेक्टर को भली भांति अपने साथ आत्मसात कर लिया है, ही इज़ वो समझ गया है रोहित के कैरेक्टर को और वो बहुत सुंदर तरीके से प्रदर्शन दे रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है. एंड वी आर हैप्पी. ऑफकोर्स वी मिस शिवम, बट आई एम श्योर ही इज़ गोना डू समथिंग मच मच बिगर एंड बेटर. यू नो उसके 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 राह में कोई बहुत अच्छी चीज़ आनी होगी शायद, इसीलिए यहाँ वो नहीं है इस वक्त. सो ऑल द बेस्ट टू हिम, वी मिस हिम एंड आई एम श्योर ही विल बी ऑलवेज देयर विद अस. अभी ग्रुप में भी है वो, उसका नाम, यू नो, सो ही विल बी देयर. थैंक यू सो मच.